फोर्स की जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, इसमें लेट अस सपोज आपके पास एक बैलून है और बैलून के अंदर से गैस निकल रही है, एयर निकलती है, आपने हवा फुलाई, हवा निकल रही है तो बैलून आगे जाता है। तो जैसे जैसे एयर बाहर निकलती जाएगी बैलून आगे जाता जाएगा। तो इसमें गैस निकल रही है नीचे, बैलून ऊपर जा रहा है बाय फोर्स ऑफ एफ। तो जो गैस निकल रही है उसका मास कितना निकल रहा है, 10 kg। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो जितने भी क्वेश्चंस जिनमें गैस निकल रही है या पाइप में से वाटर निकल रहा है, आपने मेंस्ट्रुएशन भी की होगी मैथ्स में, उसमें ये सिखाया जाता था कि कितना वॉल्यूम निकल रहा है पाइप में से वाटर का पर सेकेंड। रीजन, क्योंकि पाइप में से जब पानी बाहर निकलेगा तो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर निकलता जाएगा, हर सेकेंड में लीटर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कितना मास या कितना वॉल्यूम निकलेगा तो उसके लिए आपको टाइम जरूर बताना पड़ता है। इसीलिए जब पाइप में से वाटर बाहर निकलेगा तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कंसिडर करना पड़ेगा या मास फ्लोइंग पर सेकेंड कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसी गैस का भी सेम है, गैस का भी आपको मास फ्लोइंग पर सेकेंड या वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आपको दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में कितना मास गैस का निकल रहा है पर सेकेंड, 10 kg गैस निकल रही है पर सेकेंड ये गिवन है, और गैस की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है निकलने की 5 m/s। आपको ये बताना है कितनी फोर्स से ये बैलून ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब गैस नीचे निकलेगी तो फोर्स ऊपर लगेगी और बैलून ऊपर जाएगा। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो फोर्स होती है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp/dt। क्लियर है यहां तक? अब जो पी होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जिसमें बॉडी सॉलिड होती है, ब्लॉक है, कार है, उसके अंदर एफ क्या होता है, dp/dt, एफ इज इक्वल टू d/dt ऑफ पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी। मास की वैल्यू कांस्टेंट होती है और dv/dt को हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्सलेशन ए, नॉर्मली ऐसा देखा गया है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है कार का, ब्लॉक का, जो भी है। पर जो वाटर और गैस वाली प्रॉब्लम्स हैं इसमें मास कांस्टेंट नहीं है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, उल्टा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, गैस की बाहर निकलने की वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास फ्लोइंग पर सेकेंड आपको गिवन है 10 kg/s। तो जब मैं यहां m/v पुट करूंगा तो जिन क्वेश्चन में बॉडी सॉलिड है कार के ऊपर या किसी ब्लॉक के ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा, उसमें मास हमेशा बाहर निकलेगा, पर गैस और वाटर के अंदर मास चेंज होगा तो मास बाहर नहीं निकलेगा, वेलोसिटी बाहर निकलेगी, बिकॉज इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएशन का रूल है कि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ सकते हैं, और यहां पर कांस्टेंट कौन हुआ, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बाहर आ गई। तो कितनी वेलोसिटी है गैस की, 5, और कितना मास निकल रहा है पर सेकेंड, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 kg/s, मल्टीप्लाई करके आंसर 10 N। तो ये ना आपको याद करना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट में कि मास कब बाहर निकलेगा या वेलोसिटी कब बाहर निकलेगी। बहुत सिंपल रूल है, अगर गैस या फिर लिक्विड की प्रॉब्लम आती है तो मास चेंज होगा ही होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी बाहर आएगी आएगी, कोई डाउट इसमें? तो ये पहला रूल है। नेक्स्ट है, सिमिलरली आपको नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आएगी कि एक ना पाइप है, इस पाइप में से लिक्विड बाहर आ रहा है, इस पाइप में से लिक्विड बाहर आ रहा है और एक वॉल को जाके हिट कर रहा है, ठीक है, हिट कर रहा है, सही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है, ये रहा, ठीक। अब क्वेश्चन है कि जो वाटर है वो कितनी फोर्स से वॉल को हिट करेगा, तब वो क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स की वैल्यू। क्लियर है यहां तक? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, और डेंसिटी वाटर की क्या गिवन है, रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये गिवन है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम के अंदर जब एक लिक्विड बाहर निकल रहा है, गैस और लिक्विड का एक ही स्टाइल है, फोर्स क्या होगा, d/dt ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, m/v। फिर से एक बार, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रहा है, तो वेलोसिटी बाहर लेकिन मास फ्लोइंग पर सेकंड विल चेंज, तो गैस की भी मास फ्लोइंग पर सेकंड चेंज और वाटर का भी मास फ्लोइंग पर सेकंड चेंज, तो dm/dt।
डीएम क्या होता है? मास। डीटी क्या होता है? टाइम। अब मास क्या होता है? वॉल्यूम टू डेंसिटी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है, तो आपने मास की जगह क्या क्या पुट कर लिया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कोई डाउट इसमें? एक ना फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, जब भी एक लिक्विड बाहर निकलता है पाइप में से, अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेलोसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये ना फॉर्मूला याद करना है, जब लिक्विड का चैप्टर आएगा उसमें ये फॉर्मूला बताएंगे। अभी याद करना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या पता लगेगा? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं यहां पर फंस चुका हूं, वॉल्यूम मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड की जगह क्या पुट करेंगे? एरिया इनटू वेलोसिटी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए इनटू वी स्क्वायर इनटू रो। कोई डाउट इसमें? तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? अब जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है या लास्ट टाइम दी थी, सॉल्व करने को नहीं कही थी, अब दूंगा सॉल्व करने, उसमें न्यूमेरिकल के साथ ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मैंने इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं की, बस बताया है कॉन्सेप्ट, आप उसमें लगा के देखना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, फिर स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है। अब स्ट्रिंग नॉर्मली सीधी होती है, लेकिन स्ट्रिंग इसमें टेढ़ी है। मैं लास्ट टाइम भी बताया था, मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं। तो मैंने इसमें यह बताया था कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और वो जो स्ट्रिंग है, जैसे मान लो एक कार है, ठीक है, एक कार है, इस कार के अंदर एक पेंडुलम है, और ये क्या है? इसका बॉब है। बॉब है, कार राइट जा रही है विद एन एक्सलेशन ऑफ क्या? ए। कार राइट जा रही है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, तो ये बॉब पीछे आ जाएगा ऐसे। क्यों आएगा पीछे? लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, अगर इसका मास एम है, एम है, तो सूडो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, कितनी? एम ए। कोई डाउट इसमें? सूडो फोर्स की वैल्यू एम ए इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और ए अगर कांस्टेंट है तो एम भी कांस्टेंट है, तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा। अगर ए तेज हो जाएगा तो एम में ज्यादा हो जाएगा, तो पीछे चला जाएगा। ए स्लो होगा तो नीचे आ जाएगा, और ए जीरो होगा तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और इसका वेट कितना है? एम जे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो बॉब है, ये बॉब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब बताया था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। यहां पर जीरो होगी। अब इसके अंदर क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी? टेंशन। टेंशन कैसे है? टी एन टी। क्लियर है यहां तक? आपको क्वेश्चन में निकालना है कि ये थीटा एंगल क्या होगा इस केस में, ये क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या? ये टेंशन एक्स वाई प्लेन में है, राइट, टेढ़ी है। हम अपने क्वेश्चन कैसे करते हैं? कोई भी फोर्स अगर टेढ़ी है तो हम कैसे करते हैं उसको? या तो वाई में और या तो एक्स में सॉल्व करते हैं, एक्स वाई में सॉल्व नहीं करते। तो हम टेंशन के क्या लेंगे? कंपोनेंट्स। तो हमारे पास टेंशन का जो कंपोनेंट आएगा, राइट, अगर ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल से क्या बनेगा? थीटा। तो इस टेंशन टी का पहला कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? टी साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? इसमें टी ऑफ साइन थीटा की वैल्यू इसके इक्वल आएगी एम ए, और टी कॉस थीटा की वैल्यू इसके इक्वल आएगी एम जे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, राइट की फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट की फोर्स। इक्वेट, इसे इक्वेट कर दिया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड कर लें तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई एम जे। एम से एम कैंसल, टी से टी कैंसल, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ए डिवाइडेड बाय जी। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन इनवर्स ए डिवाइडेड बाय जी। कोई डाउट इसमें? तो कैसे ये एंगल निकलेंगे, समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो बार बार देख के आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ये टेंशन टी है, ठीक, इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है। टेंशन टी एक फोर्स है, टेढ़ी फोर्स है।
हम ना फोर्स को टेढ़ी इस डायरेक्शन में कभी रखते नहीं है, या तो वाई में या एक्स में। तो टेंशन एक फोर्स है, फोर्स के कंपोनेंट्स ले लिए, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या लिया, टी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या ले लिया, टी साइन थीटा। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स और राइट की फोर्स इक्वल टू लेफ्ट की फोर्स, तो दो इक्वेशन बनाई, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया। फिर देखो एक बार, ठीक, इसको ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। आप इसकी बजाय ये देखो, फिर से वही टेंशन, वही स्ट्रिंग है, क्वेश्चन सेम है, वही स्ट्रिंग है। इस बार मैंने इसको कार में नहीं डाला, क्योंकि कार अगर एक्सेलरेट करेगी तो सूडो फोर्स लगेगी। मैंने किसमें क्या कर दिया, मैंने अपने हाथ से पकड़ा और साइड पे ले गया और पकड़ के रखा हुआ है विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, सच दैट ये बॉब इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन में क्या बने, दिस बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब उसमें मैंने कार में डाल के सूडो फोर्स लगवाई, इसमें मैंने खुद पकड़ लिया, क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम है। आपको इसमें टेंशन निकालनी और थीटा निकालना है, तो टेंशन टी एंड टी क्लियर है, एंगल थीटा एंड थीटा अल्टरनेट क्लियर है। तो इस बॉब के अगर फ्री बॉडी डायग्राम पे जाएं तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, एम जी, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 100। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 100। इन्हें डिवाइड करते हैं अगर इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, तो टैन थीटा की वैल्यू आएगी, मास आपको 15 गिवन है, तो टैन थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा क्या आ गया, टैन इनवर्स 2/3। तो सेम क्वेश्चन है, फर्क इतना है कि कार में सूडो फोर्स थी, इसमें मैंने खुद फोर्स लगा दी, कॉन्सेप्ट सेम है, क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक। तो जब भी स्ट्रिंग टेढ़ी होगी, टेंशन के क्या बनेंगे, दो कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में इक्विलिब्रियम में बॉब, तो ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, ऊपर की फोर्स टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, जब फोर्सेस कैंसिल होंगी तभी तो इक्विलिब्रियम है। तो डिवाइड करो आंसर, पर आपको थीटा थोड़ी ना पूछा, आपको इसमें क्या पूछा, टेंशन। तो एक काम करो, अगर मैं किसी भी इक्वेशन, जैसे इस इक्वेशन में साइन थीटा की वैल्यू बता दूं तो टेंशन आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या गिवन है, टैन थीटा, टैन थीटा कितना गिवन है, 2/3। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, थीटा टैन थीटा 2/3, तो हाइपोटेन्यूज से क्या आ गया, √13। तो टैन थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो साइन थीटा क्या होगा, 2/√13। तो साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 2/√13, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो टैन थीटा आ गया, तो साइन थीटा तो वैसे भी निकल ही जाएगा आपसे, क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, अब स्ट्रिंग्स दो दो हैं, पहले एक स्ट्रिंग थी, अब दो स्ट्रिंग्स हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास सपोज दो स्ट्रिंग्स हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल के लिए नहीं करना ये क्वेश्चन, स्कूल के लिए नहीं करना, बाकी करने हैं, नॉट फॉर एनसीईआरटी, नॉट फॉर नीट, ओनली फॉर नॉन मेडिकल, ठीक। तो इस क्वेश्चन में दो स्ट्रिंग्स हैं, और दो स्ट्रिंग्स ऐसे हैं कि ये ब्लॉक के साथ दो रस्सियां बांध रखी हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है ये अल्फा और ये बीटा। अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि अगर एक एंगल अल्फा बना है, एक बीटा बना है, यानी सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री में अल्फा अल्फा सेम होते हैं, बीटा बीटा सेम होते हैं। यानी कि अगर कोई मान लो एक बॉक्स को उठा रहा है रस्सियों से, तो यानी कि दो बंदे जो उठा रहे हैं तो एक बनी कहाँ खड़े हैं, एक कहाँ खड़े हैं, या एक ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, एक कम फोर्स लगा, तभी एंगल सिमेट्री में नहीं बन रहे। तो एक जो एंगल है वो अल्फा और एक एंगल क्या है, बीटा। और सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मास इक्विलिब्रियम है, आपको T1 T2 निकालना है, टेंशन कितनी है स्ट्रिंग की। तो रूल नंबर 1, एक रस्सी एक टेंशन, दो रस्सी दो टेंशन। तो यहां पर एक स्ट्रिंग अलग है, एक स्ट्रिंग अलग है, तो यहां टेंशन T1 T1, यहां टेंशन T2 T2, सेम कैसे हो सकती है, क्योंकि स्ट्रिंग्स अलग है, टेंशन अलग है, एंगल्स अलग है। तो ये रूल क्लियर है पहला। तो इसमें ये अगर बीटा, तो ये भी बीटा अल्टरनेट, तो टेंशन T2 के दो कंपोनेंट्स, T2 साइन बीटा, T2 कॉस बीटा, कंपोनेंट बन गए। ऐसी ये टेंशन T1 T1 के दो अल्फा, तो अल्फा, तो T1 का पहला कंपोनेंट T1 कॉस अल्फा, T1 साइन अल्फा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। तो इस ब्लॉक के ऊपर की फोर्स कितनी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय नीचे की फोर्सेस, और लेफ्ट की फोर्स इज बैलेंस्ड बाय राइट की फोर्स। तो ऊपर की नेट फोर्स कितनी है, T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू क्या, mg। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक,
ऊपर की दोनों का सम इज इक्वल टू नीचे की इक्वल, तो ये इक्वेशन क्लियर है, टी वन साइन एल्फा प्लस टी टू साइन बीटा इज इक्वल टू एम जी। और वैसे ही लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, तो टी वन कॉस एल्फा इज इक्वल टू टी टू कॉस बीटा, तो ये इक्वेशन भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो लेफ्ट और राइट की फोर्स बराबर, ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर, राइट। तो अब दो इक्वेशन में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टी वन टी टू निकालना है, तो ये फिजिक्स खत्म हो गया, मैथ्स स्टार्ट हो गया। तो मैथ्स के अकॉर्डिंगली यहां से T1 इलिमिनेट करके यहां T2 की फॉर्म में ले आते हैं, कैसे? T1 को क्या पुट करेंगे, T2 cos beta divided by cos alpha, तो ये आपके पास T1 आ गया, इस T1 को उठा के यहां पे पुट करेंगे ये रहा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, cos alpha LCM लेके ये आंसर आ गया, LCM ले लिया, यहां से कॉमन T2 आ गया, sin a cos b plus cos a sin b, मैथ्स में टीचर ने सिखाया होगा, नॉन मेडिकल मैथ्स में, अदरवाइज मेडिकल वालों को तो नहीं सिखाया, तो एक फॉर्मूला है मैथ्स में, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, तो यहां से सॉल्व करके टी टू कैन बी कैलकुलेटेड, जैसे टी टू निकला वैसे टी वन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। बट पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब मेन काम जो मैथ्स को छोड़ दें, फिजिक्स का जो मेन काम था वो समझ में आ रहा है कि कैसे आपने इक्वेशन बना के इनको जो है इक्विलिब्रियम के अंदर लेके आया, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, ये पहला ब्लॉक ये दूसरा ब्लॉक, और ये पुली है और ये स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर हमने इंक्लाइन प्लेन के साथ तो किया था, ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, फ्रिक्शन कोई है नहीं, तो इसका मास अगर 20 केजी है तो ये नीचे आएगा भाई 20 जी, टेंशन टी एन टी, क्लियर है? ठीक। अब ये ए के साथ नीचे आ रहा है, ये ए के साथ नीचे आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 20 जी माइनस टी इज इक्वल टू 20 ए, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके टी कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक क्वेश्चन करो इसी के ऊपर, बिल्कुल मिलता जुलता, ये लो सपोज ये एक टेबल है, ये ब्लॉक है, पुली, मास 20 केजी 5 केजी, तो नीचे आएगा विद ए, ये राइट जाएगा विद ए, आपको ए और टी निकालना है, आपको एक्सीलरेशन और टेंशन निकालनी है, क्या होगी? इक्वेशंस कैसे बनाई, यहां पर आपने ड्रॉ किया टी, और यहां पर भी क्या ड्रॉ किया टी, यहां पर भी टी, यहां पर भी टी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग पास हो रही है तो टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसका वेट कितना है 20 जी, तो नीचे आ रहा है तो पहली इक्वेशन 20 जी माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू ए फर्स्ट इक्वेशन, और ये राइट जा रहा है तो टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए सेकेंड इक्वेशन, तो आप इस टी को यहां पुट करते हैं तो 20 जी माइनस 5 ए इज इक्वल टू 20 ए, 20 जी इज इक्वल टू 25 ए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 20 जी डिवाइडेड बाय 25 आंसर, तो जी को 10 पुट कर सकते हैं, इस ए को उठा के चाहे यहां पुट कर दें तो क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। तो आपको इक्वेशन समझ में आ रही है कैसे बनेंगी, कोई डाउट इसमें? कितना
फाइव नहीं है, 20g माइनस 5a, 20 प्लस 5 नहीं, यहाँ तक ठीक है मेरा, ये ठीक है। अच्छा जी की वैल्यू 10 पुट कर रहे हो फिर, हाँ आंसर जो भी आएगा कोई बात नहीं, जी को 10 पुट कर लेना। आपको इक्वेशन समझ में आ रही हैं कैसे फॉर्मुलेट हो रही हैं, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक, ओके नेक्स्ट है। अब सपोज करो सेम क्वेश्चन है, ठीक है सेम क्वेश्चन है जो भी कर रहे थे। इस क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू सॉल्व करते हैं, इसको 10 पुट कर लेते हैं, कितना आंसर आ रहा है टोटल ए का? 8। और इस ए को उठा के यहां पुट कर लो तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 40। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये जो पुली टेबल पे लगी हुई है ना, वो एक रॉड से लगी हुई है, देख रहे हो एक डंडा लगा हुआ है जिसके ऊपर फिक्स है। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप बहुत भारी मास लगा दें तो ये रॉड टूट जाएगी, पुल नीचे गिर जाएगी, ऐसा होता ही है, बहुत मास लगने के बाद पुली नीचे गिर जाएगी क्योंकि रॉड यहाँ इतना प्रेशर इतना फोर्स झेल नहीं पाएगा और ये टूट जाएगी। तो आपको बताना है कि इस रॉड पे कितनी फोर्स लग रही है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्स बतानी है इस रॉड पे क्या लग रही है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये पुली है, इस पुली के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? टी। और नीचे कौन सी फोर्स लग रही है? टी। टी एंड टी क्लियर है बस, और तो कुछ नहीं है। और इसकी जो रॉड है वो कहीं ऐसे है, ठीक है। पुली के ऊपर जो भी यहाँ फोर्स लग रही है वो ऑब्वियसली टी एंड टी है। अब एक बात बताओ मुझे, इसमें ये रॉड है, इस रॉड के ऊपर टी एंड टी फोर्स लगाएगा, टी एंड टी का नेट फोर्स कैसे निकलता है? पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट फोर्स आएगी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? रूट, तो रूट टू इंटू 40 आंसर है इसका। पॉइंट समझ में आ रहा है? एंड ये पुली मासलेस है, अगर पुली का मास भी होता एक और वेक्टर ऐड हो जाता जिसका वेट एम जी, तो यहां पर एम जी भी होता, टी भी होता और ये टी होता, तो ये नेट वेक्टर बन जाता एम जी प्लस टी और यहां पर सिर्फ टी, फिर वेक्टर सम निकलता अगर मास होता तो। पर यहां पर पुली मासलेस है तो पुली का मास नहीं है, तो पुली का वेट तो मैंने एम जी लिया ही नहीं। अगर होता वेट तो फिर मुझे एक और वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता एम जी, फिर वेक्टर सम तीनों का निकलना था। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर मास तो है नहीं, तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रूट टू टी इज आंसर। तो समझ में आया कि पुली की रॉड पे कितनी फोर्स लगेगी इसमें? मैंने कहा पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो टी एंड टी है, अगर ज्यादा मास लगाएंगे तो टी बढ़ जाएगा, टी बढ़ेगा तो ये रॉड पे जोर पड़ेगा, रॉड पे क्यों जोर पड़ रहा है? क्योंकि टी एंड टी का वेक्टर सम ये बनेगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो यही इसकी रॉड की फोर्स है। तो रॉड की फोर्स टेंशन की वजह से है, पर क्योंकि टी एंड टी परपेंडिकुलर है तो वेक्टर सम इसका अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर बनेगा। नाइन्टी डिग्री पे है ना टी एंड टी, टी एंड टी 90 पे है ना, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर इसके फ्री बॉडी डायग्राम में राइट की फोर्स क्या है? टी। पीछे क्या है ही नहीं, तो टी माइनस जीरो इक्वल टू 5 है, बड़ी फोर्स माइनस पीछे की है ही नहीं इक्वल टू 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।